सो फाइनली आज हम लोग एक बार फिर से एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोग हमेशा बात करते हैं टॉपर्स के बारे में, हमेशा बात करते हैं अच्छे मार्क्स लाने के बारे में, और वो अच्छे मार्क्स लाने बच्चे जो हैं वो कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, इस पे चर्चा हो रही है। कहीं भी इस पे चर्चा नहीं हो रही है जहां पे थोड़ी सी चूक की वजह से उनका मार्क्स जो है वो थोड़ा कम हो गया है, तो वो अपना लाइफ या अपना करियर वो बेहतर कैसे कर सके। तो फाइनली आज ये वीडियो है CUET 2023 में जिन बच्चों के मार्क्स कम आने की उम्मीद है, कम आने की उम्मीद नहीं भी है ना, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखो, और जिनके अच्छे नहीं आने की उम्मीद है वो भी देखो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख, सोलह लाख, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को देखो। रीजन ये है जिससे आपको आइडिया लग सके कि वो कौन से ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि देश को अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें एडमिशन कोई ले नहीं रहा है, लोगों की नजर में वो आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग क्या है, घोड़े की तरह देख रहे हैं, पट्टी लगी हुई है, बस सीधे देख रहे हैं, हाँ हाँ भाई बस कैमरे पे देखना है, कैमरे पे देखना है। लेकिन भाई कभी कभी हमें इस पट्टी को हटा के बगल में भी देखना होता है। हम लोग बस टॉप 5, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 10, टॉप 20 कॉलेज के पीछे पड़े हुए हैं। बेसिकली उन कॉलेज का क्या, हमारे देश में 700 से ज्यादा विश्वविद्यालय है। जब 700 से ज्यादा विश्वविद्यालय है तो हम लोग बस उसके 1% विश्वविद्यालय के बारे में क्यों बातें कर रहा है? हम लोग तो 7 विश्वविद्यालय के बारे में बात नहीं करते, हम लोग बस 3-4 किस पे, DU, JNU, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, भाई इसके बाहर भी कुछ ऐसे कॉलेज, कुछ नहीं भाई, इतने कॉलेजेस में आपको इतना काउंट कराने वाला हूं ना आपकी आंखें खुल जाएंगे। और बेसिकली वहां से बच्चा पढ़ के भी अच्छा कर सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मेरे यहां से एक लड़की समथिंग कोई तिवारी करके तीन साल पहले मेरे यहाँ कोर्स मतलब फर्स्ट बैच की बच्ची थी मेरे यहाँ, और वो PHU नहीं मिला, रोने लगी, फिर समझाया गया और उन्होंने अपना एडमिशन कहीं भी महाराष्ट्र किसी कॉलेज में करा लिया। कुछ दिन पहले, मुझे लग रहा है 2 से 2.5 महीना पहले, उन्होंने अपने बर्थडे पे मुझे कॉल किया और बहुत सारी विशेज लिया, साथ ही उन्होंने मुझे गुड न्यूज दिया कि सर फाइनली मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एज अ प्लेसमेंट 5 लाख per annum पे प्लेस हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में BHU, इलाहाबाद, JNU जैसे विश्वविद्यालय में BA कर रहे होंगे उनको भी अभी ऐसे ऑफर्स नहीं मिले होंगे, जबकि वो अपने फेलियर के बाद अच्छी चॉइस के वजह से आज वो 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज फर्स्ट ईयर में उठा रही है, मींस की फर्स्ट प्लेसमेंट में। अगर ये प्लेसमेंट 2 साल 3 साल आगे इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीमेंट बढ़ेगा। बेसिकली आज ये टॉपिक इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक कोई बात नहीं कर रहा है। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि कम मार्क्स में आपको क्या मिल सकता है बेहतर, ठीक है? ओके, देखो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि CUET के थ्रू टोटल कितने यूनिवर्सिटीज को ऑफर किया जा रहा है, मीन्स की टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इन CUET 2023 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट भी CUET में पार्टिसिपेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज को ऐड दे रही थी, मतलब आप CUET में आ जाओ। उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी को हायर किया है अपने यहाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी को हायर किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पास एक कंपलसरी कंडीशन थे कि हाँ आपको आना पड़ेगा, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए कंडीशन उन्होंने एज अ एड दिया था कि हमारे यहाँ आइए। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उस समय एज अ यूनिवर्सिटी भी बन के आप वहां अपना एप्लीकेशन डाल सकते थे कि हाँ हमें भी रख लो CUET में, हमें बच्चा दे देना और आप उनको पैसा दे दो, ये इनका कंडीशन था। तो बेसिकली ऐसे में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET में आए हैं और आपका उसका पता नहीं है, उन पे बात करेंगे। सबसे पहला नंबर जो है, लगभग देश के ऑलमोस्ट 47-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वह CUET के अंतर्गत है, ठीक है, मान लिया कितना 47 स्टेट यूनिवर्सिटीज। हमारे यहाँ लगभग 200 से ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगे या उससे भी ज्यादा, फैक्ट मैं दिखा दूंगा, तो वो भी CUET में आज है, CUET में है, ठीक है, टोटल नहीं लेकिन कुछ परसेंट। प्राइवेट बहुत सारे हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी CUET में ऑफर किया गया और वो ऑप्ट करते हैं, मीन्स की CUET में आ गए हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो आप जानते हैं और आप एडमिशन नहीं लिए आज तक, आपको किसी ने एडमिशन लेके दिखाया नहीं इसलिए आपको पता नहीं, बेसिकली वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल 4 ऐसे अलग अलग सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आज CUET के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है।
टोटल हमारे यहाँ देश में लगभग 780 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और जिसमें कि वही 40-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब बात आती है कि सर ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें सीयूटी कम मार्क्स के बाद भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, इन सबको छोड़ देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। इसके लिए मैंने इन्हीं के मतलब मिनिस्ट्री के एनआईएफ रैंकिंग को टेस्ट किया। आपको पता है कि हमारे देश में 2023 का एनआईएफ रैंकिंग अभी कुछ दिन पहले आया है, जिसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है और जहां पे इसकी लिस्ट आप देख पा रहे हो। अब आप एक चीज बताओ कि क्यों हम लोग ऊपर के ही बस कॉलेज के बारे में बात करें, जबकि खुद ये पूरे सेलेक्टेड एनआईएफ के कॉलेजेस हैं। मतलब हमारे देश में ये टॉप कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है, और उसमें हम लोग बेसिकली किसकी बात करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, जेएमआई की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, ठीक है, और हैदराबाद की बात करते हैं, और दिल्ली की बात करते हैं। व्हाट अबाउट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, व्हाट अबाउट अन्ना यूनिवर्सिटी, जबकि अन्ना यूनिवर्सिटी यूपीएससी की रिजल्ट देता है, साउथ की बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, कलिंगा, ठीक है, मान लो टेक्निकल है तो जो टेक्निकल देख रहे हैं उनके लिए है, ठीक है, एसआरएम, बिरला और भी है, केरला, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बहुत सारे कोस्टल एरिया वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, ठीक है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टयम, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद और भी जाओ, मैसूर यूनिवर्सिटी, और भी जाओ, जामिया हमदर्द, व्हाट अबाउट जामिया हमदर्द, ठीक है, और जाओ, मुंबई यूनिवर्सिटी, इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये बेसिकली किस बेसिस पे आप देखो, आप देखो नियर बाई कौन है, और प्लीज इन सभी पे नजरें गड़ाओ, इन सभी पे नजरें गड़ाओ। इसके बाद हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखते हैं। ये है डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको आपको क्या करना है, एज अ रेफरेंस अभी से जानना है और रखना है, अपने लिस्ट में रखना है। और इन सभी कॉलेज में क्या प्रोसेस है, इन सभी की डिटेलिंग मैं आपको टाइम टाइम बताऊंगा। बेसिकली अब मैं सोच लिया हूं कि आपको हर एक कॉलेज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा और उसमें एडमिशन लेने के बेनिफिट्स बताऊंगा, लेकिन इसकी डिमांड आपको है तब। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं बस घोड़े की तरह पट्टी बांध के आंख पे चलना है, हमें बस बीएचयू चाहिए, हमें बस यही चाहिए, तो प्लीज इस चीज को, भाई मैं खुद यहां का छात्र हूं, बी एच चुका तो मैं छात्र ही हूं, आप स्टार्डम चाहिए या करियर चाहिए बताओ मुझे, स्टार्डम चाहिए या करियर चाहिए, भाई कुछ परसेंट लोग ही यहां आएंगे, बाकी के कहां जाओगे, लाखों लोग, यार दिमाग की पट्टी खोलो और इधर भी अपना सिमसिम दरवाजा खोलो। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप एनालिसिस करो। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहां पर एडमिशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर, BBAU और भी ऐसे DDU, बहुत सारे कॉलेजेस हैं भाई, प्लीज आप बस स्टार्डम के पीछे मत जाओ, बेसिकली थिंक अबाउट द अदर कॉलेजेस, अदर यूनिवर्सिटीज, जहां पे अपना करियर बना सकते हो, जहां पे रिजल्ट अच्छे हैं, जहां पे एजुकेशन अच्छा है, ठीक है। तो प्लीज आपका असाइनमेंट है आज का होमवर्क है, इन सभी पे आपको विचार करना है, सोचना है और लिस्ट आउट करना है कि आपको कहां कहां जाके बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। अगर आप कमेंट करते हो कि सर ये लिस्ट आप बना दो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लगभग टॉप 10 प्राइवेट, टॉप 10 सेंट्रल, टॉप बिलो से लूंगा, ठीक है, और बेसिकली मिडिल से लूंगा, और डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैं पूरा स्टेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, और आप उन सब पे पैनी नजर रखोगे। ये कमेंट अगर मेरे को 100 से ज्यादा मिला, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं आने वाले 5 दिनों के अंदर वीडियो दे दूंगा। 100 से ज्यादा मुझे कमेंट चाहिए, बस ये मेरा काम है भाई, मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे लोग देख रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, याद रखना 100 कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, ओके, हर हर महादेव।